तभी इस ब्रॉक लेसनर कर सकते हैं मनी इन द बैंक में वापसी और जीत कर सकते हैं रोमन रेंस का तख्ता पलट। कोडी वर्सेस ट्राइबल चीफ के बड़े हैं चांसेस। रे मिस्टीरियो ने दान किए अपने बूट्स और शायद की हो रही बैड बुकिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस स्वागत है आपका WHG की एक और वीडियो में। और आज की वीडियो दोस्तों काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर हम सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करने वाले। होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का दोस्तों लाइक टारगेट रहेगा 2000 लाइक का। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं रे मिस्टीरियो की। तो गाइस रे मिस्टीरियो ने हाल ही में दरिया दिली का प्रदर्शन किया है। रे मिस्टीरियो को दोस्तों कहा जाता है कि साइज में इतने बड़े नहीं है लेकिन उनका दिल सबसे बड़ा है, ये हमें आज पता चला। तो नटालिया जो कि दोस्तों WWE डीवा है, WWE सुपरस्टार है और गाइस साथ ही साथ जो कि हाल ही में रेसलमेनिया में एक टैग टीम मैच का भी पार्ट थी, उन्हें दोस्तों जो जूते पहने थे वहां रेसलमेनिया में वो रे मिस्टीरियो के दान दिए हुए थे। तो इस चीज की सूचना दोस्तों नटालिया ने ट्विटर के ऊपर ये चीज बोली है कि थैंक यू रे मिस्टीरियो जो आपने मुझे उस नाइट के लिए रेसलिंग बूट्स लेंड किए हैं, उधार पर दिए हैं और मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी, आप एक एब्सोल्यूट लेजेंड है। तो शायद से दोस्तों नटालिया के पास वहां मैचिंग शूज नहीं थे तो रे मिस्टीरियो ने उन्हें अपने जूते दिए, जिसका उन्होंने दोस्तों थैंक्स भी किया है, जो कि दोस्तों काफी एक्सक्लूसिव न्यूज भी है क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वहां नटालिया ने मिस्टीरियो के जूते पहन रखे हैं। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे सेथ रॉलिंस से। तो कल वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो सेथ रॉलिंस है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज हो चुके हैं। मिलवॉकी में दोस्तों होने वाली है परसों की स्मैकडाउन और वहां दोस्तों सेथ रॉलिंस 100% कंफर्म थे, लेकिन गाइस अब प्लान में कुछ ऐसा चेंज आया है कि फिर से दोस्तों उन्हें वहां से रिमूव कर दिया गया है, यानी कि वो शायद से ही स्मैकडाउन का पार्ट होंगे। साथ साथ दोस्तों WWE के पूर्व राइटर विंस रूसो का मानना है कि सेथ रॉलिंस को पनिश किया जा रहा है। तो सेथ रॉलिंस ने दोस्तों बैकस्टेज कोई गलती की होगी जिसके तहत दोस्तों उन्हें इस तरीके की बुकिंग दी जा रही है, क्योंकि दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कंसेक्टिव दोस्तों जो सेथ रॉलिंस है कई मैचेस रेसलमेनिया में हार चुके हैं। लास्ट ईयर दोस्तों शायद से उस सिजारो से हारे थे और इस ईयर रिटर्निंग कोडी ने हरा दिया है, जो कि दोस्तों काफी सैड करता है एज ए सेथ रॉलिंस फैन। दोस्तों देखने में अच्छा तो नहीं लगता लेकिन हाँ, यहाँ सेथ रॉलिंस को कहीं ना कहीं WWE पनिश करिए, मुझे भी लगता है, आपको लगता है क्या? दैट्स ऑल। चलते हैं इससे अगली अपडेट के ऊपर। तो इससे अगली अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों WWE हॉल ऑफ फेमर सनी से। तो WWE हॉल ऑफ फेमर सनी दोस्तों काफी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है। ये वो महिला है जिसने हॉल ऑफ फेम की रिंग बेच दी थी चंद पैसों के लिए। इस महिला ने दोस्तों कई अश्लील मूवीज में भी काम किया है और आज दोस्तों इस महिला ने WWE का नाम फिर से डबो दिया जब इसने एक व्यक्ति को कार के नीचे कुचल दिया। क्या कि गाइस जो ये सनी नाम की हॉल ऑफ फेमर है, ये दोस्तों गाड़ी चला रही थी मर्सिडीज और इसने ठोक दी दोस्तों किया में और किया गाड़ी दोस्तों बिल्कुल पिचक गई, जिसके अंदर जो बंदा था वो मर गया है। जिसके तहत बताया जा रहा है कि इस औरत को हो चुकी है जेल क्योंकि इसने दारू पी रखी थी। तो अल्कोहल दोस्तों कंजप्शन के चलते दोस्तों इससे गाड़ी नहीं संभली और गाइस इसने गाड़ी दे मारी किया में। मर्सिडीज दोस्तों किया से जैसे टकराई, वहां किया का दोस्तों बिल्कुल लिया हो गया और गाइस उस बंदे की वहीं मौके पर मौत हो गई है। WWE लेजेंड दोस्तों जो सनी है वो 90 के दशक में काफी सेक्सी डीवा मानी जाती थी, लेकिन अब इनके काम कुछ उल्टे फुलटे ही है। हम जल्दी से अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे WWE के प्लान से। तो गाइस मैं आपको पूरा का पूरा स्केड्यूल बताने वाला हूँ WWE का कि कौन सा सुपरस्टार कहाँ एडवर्टाइज हो रहा है, कब तक एडवर्टाइज हो रहा है। तो गाइस पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ आपको पता चलेगा कि क्या आगे होने वाला है। तो गाइस 11 अप्रैल को रॉ होने वाली है, सब लोग जानते हैं, और गाइस वहां रोमन रेंस पार्ट होने वाले हैं। ये काफी एक्सक्लूसिव न्यूज है, रोमन रेंस अगली रॉ का भी पार्ट होंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगी 15 अप्रैल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, जिसके अंदर सेथ एंड कोडी रोड्स का मैच होना है, जो कि दोस्तों इनका रीमैच होगा रेसलमेनिया का और डार्क मैच होगा, इसे दोस्तों मेन रोस्टर में नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 16 तारीख को होगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट, जो कि मेरे हिसाब से एक लाइव इवेंट है, पेंसिल्वेनिया में होने वाला है और इसके अंदर कोडी रोड्स जो एडवर्टाइज है ये नहीं पता कि वहां उनका क्या होगा। बताया ये जा रहा है कि यहां भी दोस्तों वो सेथ को ही फेस करेंगे। वहां दोस्तों बिगी को माना जा रहा था लेकिन बिगी इंजर्ड है तो वहां वो पार्ट नहीं होने वाले। उसके बाद दोस्तों 22 अप्रैल को स्मैकडाउन होगी न्यूयॉर्क में और वहां दोस्तों पैकी लिंच एंड बियांका ब्लेयर को एडवर्टाइज किया गया है, यानी कि दोस्तों
बैगी लेंस का होने जा रहा है रिटर्न। तो काफी पॉजिटिव अपडेट है। हम चलते हैं आज के अपनी थर्ड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो आज थर्ड लास्ट न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने कोडी रोड से, जिन्होंने कह दिया है कि चाहिए रोमन रेंस के खिलाफ मैच। तो गाइस हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो कोडी रोड्स दोस्तों हमें द बम्प नामक शो में दिखाई दिए थे, जिसके अंदर दोस्तों कल देर रात उन्होंने ये चीज़ कही है कि वो रोमन रेंस को फेस करना चाहते हैं और आगे वो इस चीज़ पर निगाह भी रखेंगे। तो कोडी ने क्या कुछ कहा है, कोडी ने ये चीज़ कही है कि देखो जब मैं डब्ल्यू को छोड़कर जा रहा था तब रोमन रेंस टॉप पर था और उसे उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही थी क्योंकि वो एक नया बेबी फेस था, लोगों के गले नहीं उतर रहा था, लेकिन अब जब मैं लौटा हूं तो वो हील में तब्दील हो चुका है और ये उसकी कंसिस्टेंसी है जो उसे लोग इतना ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने आगे कहा कि मैं रोमन रेंस के खिलाफ मैच चाहता हूँ और हमारे मैच से पहले जो चीज़ होगी वो है फेस ऑफ, तो फेस ऑफ पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा और उसी पर मेरी निगाह भी है। यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने इस मैच को टीज कर दिया है और बताया ये भी जो आ रहा है कि कोडी वर्सेस रोमन के ज़्यादा चांसेस है अब ड्रू वर्सेस रोमन से। द रीज़न बिहाइंड दैट कि गाइस कोडी रोड डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे मर्च बिकवा रहे हैं, आपको दोस्तों एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये गाइस बीते 24 घंटे का है, बीते 24 घंटे में दोस्तों कोडी रोड से जुड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने लगभग दोस्तों 10 से 15 पोस्टें डाल दी इंस्टाग्राम के ऊपर। और ऐसा तभी होता है जब किसी सुपरस्टार से डब्ल्यू वालों को फायदा पहुंच रहा होता है और वो सुपरस्टार बज क्रिएट कर रहा होता है, जिसका मतलब साफ है कि रोमन वर्सेस कोडी के चांसेस हो चुके हैं डबल। साथ साथ दोस्तों इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी कोडी के आने के चांसेस है और आपको बताना चाहूंगा जो गो होम एडिशन रहेगी रेसलमेनिया बैकलैश की, वहां भी कोडी रोड्स को एडवर्टाइज किया गया। तो कोडी वर्सेस रोमन रेंस इज ऑन। चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के प्लान से। तो गाइस रोमन रेंस क्या करने वाले हैं फ्राइडे स्मैकडाउन में, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। परसों दोस्तों स्मैकडाउन होने वाली है और वहां रोमन रेंस क्या टाइटल यूनिफिकेशन करेंगे, यानी कि नई बेल्ट का दोस्तों वहां उद्घाटन करेंगे या फिर उनका कोई ओपोनेंट सामने आएगा, इस पर अपडेट आ चुकी है। तो लेटेस्ट अपडेट्स की माने अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू इनसाइडर वहां रखी जाने वाली है यूनिफिकेशन सेरेमनी। तो गाइस रोमन रेंस जो है वो इस बारी की रॉ में साफ कर दिए हैं कि वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं अगले स्मैकडाउन में। और गाइस एज पर रिपोर्ट्स मिलवॉकी में जो स्मैकडाउन होगी वहां दोस्तों उन्होंने यूनिफिकेशन सेरेमनी रखी हुई है। यहां दोस्तों चांसेस डबल हो जाते हैं कि कोई नई बेल्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा उद्घाटित हो, रोमन रेंस एक नई चैंपियनशिप लेकर आए जो कि दोस्तों पुरानी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की बेल्ट भी हो सकती है या फिर कुछ और। लेकिन इस सेरेमनी में जो चीज सबसे ज्यादा होने के चांसेस है वो है रोमन रेंस के ऊपर हमले के। ये हमला हो सकता है ड्रू के द्वारा भी, ये हमला कोडी रोड्स के द्वारा भी हो सकता है, कोडी रोड्स आके उन्हें कन्फ्रंट कर सकते हैं। और हो सकता है कि वहां लेसनर भी आए क्योंकि गाइस सब लोग सोच रहे हैं कि लेसनर हमेशा के लिए जा चुके हैं, लेकिन लेसनर को माना गया है द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सुपरस्टार जो कि अपना रिटर्न ऐसे मौकों पर करते हैं जहां किसी को नहीं लगता है। तो हो सकता है दोस्तों कि वहां लेसनर आए, लेकिन लेसनर के दोस्तों चांसेस अब और ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो मनी इन द बैंक जीते। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, लेसनर दोस्तों मनी इन द बैंक के लिए कंफर्म्ड हो चुके हैं। मनी इन द बैंक में दोस्तों हमें लेसनर दिखाई देने वाले हैं। तो बताया जा रहा है रेसलमेनिया बैकलैश के बाद मनी इन द बैंक में भी वो होने वाले हैं, जो कि दोस्तों हम लोगों को जुलाई में देखने को मिलेगा, 2 जुलाई को ये होगा। लेसनर दोस्तों वहां होंगे, जिसका मतलब साफ है कि लेसनर को अगर डब्ल्यू मेन इवेंट पिक्चर में नहीं डालती है तब तक गाइस वो होंगे मनी इन द बैंक मैच का पार्ट। और जैसे लेसनर अभी बने हुए हैं वो प्रॉपर मैच देंगे, ना कि दोस्तों लास्ट टाइम के जैसे कि आए अली को गिराया वहां ब्रीफ केस ले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और गाइस अगर ये चीज होती है, अगर दोस्तों मनी इन द बैंक के अंदर होते हैं तो गाइस लेसनर गना विन दैट ब्रीफ केस, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई भी चाहेगी कि रोमन वर्सेस ब्रॉक को एक बेटर टर्म पर खत्म किया जाए। इस वक्त दोस्तों जो ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप जीते हैं वो आप और हम सभी जानते हैं किस तरीके से जीते हैं, और राइवलरी कहीं ना कहीं आधी अधूरी है क्योंकि लेसनर को स्क्रू किया गया है। और लेसनर दोस्तों वैसे सुपरस्टार नहीं है कि स्क्रू होकर बैठे रहेंगे, हमेशा से ही बदला लेते आए हैं और हमेशा से ही बदला उन्होंने लिया भी है। साथ ही साथ कई रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है कि रोमन रेंस से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की बेल्ट छीन लेगी, क्योंकि गाइस वो दोनों ब्रांड्स पर कब तक दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया उन्हें रॉ में भी आना है, स्मैकडाउन में आना है, ऐसे में सुपरस्टार थक भी जाता है। तो दोस्तों हाँ, पॉसिबिलिटी हाई है कि लेसनर जीत जाए मनी इन द बैंक को, जो कि होने वाला है 2 जुलाई को। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी, सवाल उठता है ये
कि लेसनर के साथ क्या गलत हुआ या फिर सही रेसलमेनिया में। इस क्वेश्चन का दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बक है।